कुछ विशेष वर्ग के लोगों को उसकी सुविधा दी गई है, तो क्या होना चाहिए महाकाल मंदिर? जय महाकाल। सर्वप्रथम तो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी को मैं बधाई देता हूँ, जिन्होंने ये कहकर 6 करोड़ हिंदुओं का मनोबल बढ़ाया कि जिस घर से पत्थर आएंगे उस घर से पत्थर निकाले भी जाएंगे, उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। दूसरा विषय ये है कि महाकाल मंदिर में जो प्रसादी के लिए पैकेट तैयार होते हैं उसको एक पप्पू पेकर्स वाला मुस्लिम तैयार कर रहा है, तो हमारा जिला प्रशासन से, जिलाधीश महोदय से, मंदिर समिति से यह निवेदन है कि ये पुण्य का काम हिंदुओं को दिया जाए। जो लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं हिंदुओं पर, जो महाकाल बाबा के रास्ता रोक के सहनबाग में बैठे हुए थे, जो महाकाल के विरुद्ध बात कर रहे थे, जो सनातन धर्म के विरुद्ध बात कर रहे थे, उन दुष्टों को ये ठेके ना दिए जाए, सिर्फ हिंदू समाज को दिए जाए जो शुद्ध रूप से भगवान की सेवा करते हैं, उन्हीं को ये ठेका दिया जाए, क्योंकि वो अशुद्ध रूप से ये पैकेज तैयार करते हैं, उन पैकेटों में थूकते हैं, तो ऐसे थूकने वालों को, पत्थरबाजों को ये ठेका नहीं होना चाहिए, शुद्ध रूप से हिंदू को ही ठेका होना चाहिए। अगर उनको दिया जाता है तो आप किस तरह का विरोध करेंगे? हम लोग इसका विरोध करेंगे क्योंकि वहां से प्रसाद ही नहीं लिया जाएगा और समस्त हिंदुओं में जन जागरण और चेतना फैलाई जाएगी कि सिर्फ हिंदुओं को ही दिया जाए और हिंदुओं से ही प्रसाद दिया जाए, उसके पैकेज अलग से तैयार होंगे।